और अगर आपको रोज सत्संग में जाने का मौका मिलता है, सोचो आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं, पर अगर हम उस एक्स्ट्रा क्लासेस में बैठ के भी हम वो चैप्टर पढ़ नहीं रहे, स्टडी नहीं कर रहे, ध्यान नहीं लगा रहे, हमें याद ही नहीं हो रहा। कितने लोग ऐसे हैं मुझे बता दो, किसी को याद हो कि आज पहला और दूसरा भजन शब्द कौन सा चला था? बिल्कुल नहीं याद होगा, क्योंकि वो कभी भी हमने ये सोचा ही नहीं है कि गुरबानी क्या चली है, गुरबानी का अर्थ क्या होता है। गुरु की वाणी, गुरबानी, गुरु की वाणी मतलब वो गुरु जी आपके कानों में सुना के आपको ब्लेस करते हैं, और जिसका ध्यान लग जाता है वो आगे नई क्लास में उसका एडमिशन होना शुरू हो जाता है। जो ज्यादा सिमरन में करता है, जो ज्यादा ध्यान से क्लास को अटेंड करता है, ये क्लास है, गुरु की क्लास है, इसमें सबको नंबर मिलते हैं, सिर्फ सेवादारों को नंबर नहीं मिलते। सेवादार तो पता नहीं कितनी बार फेल होते हैं, कितनी बार डांट खाते हैं, पर आप लोग तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हो, आपको तो 2 घंटे हिलना भी नहीं है। हमें तो फिर हिलना, इधर जाना उधर जाना, बर्तन उठाना, प्रसाद देना, हमसे गलतियां होती ही रहती हैं, लेकिन आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक जगह बैठे हो टिक के, और जो बच्चे क्लास में पूरी टिक के बैठते हैं, इधर उधर नहीं भागते, ध्यान नहीं देते, अब कितने लोग हैं भागते ही रहते हैं, फोन सुनते रहते हैं, इधर भागे उधर भागे, तो उनके नंबर कटेंगे, वो स्टूडेंट अच्छे वाले नहीं माने जाएंगे, फिर उनको बार बार पनिशमेंट मिलेगी, फिर उनको थोड़ी देर बाद कहेंगे बाहर निकल जाओ, जैसे गुरु जी कहते हैं फोन आया तो बाहर जाके सुनो। फोन सुनना ही क्यों है मुझे समझ में नहीं आता। आ गए ना यहाँ, छोड़ दो इनके ऊपर, जिंदगी की डोर इनके हाथ में दे दो, अपने आप निभाएंगे, ये खुद करेंगे कल्याण आपका, क्योंकि आपने अपने आप को इनको सरेंडर जो कर दिया। पर अभी हम वही नर्सरी केजी में कहते हैं, अभी तो गुरु जी कहते हैं संगतों का तो एडमिशन भी नहीं हुआ, एडमिशन फॉर्म भी कहते हैं मैं ही दूंगा तुम्हें, पर हम अभी उस लायक तो बन जाएं कि हम एटलीस्ट हम एक्स्ट्रा क्लास भी हमें मिल रही है और हम उसमें पास नहीं हो पा रहे हैं, फेल हो रहे हैं कभी हमारी कंपार्टमेंट। जितने लोग हैं ना, जितने मैं आज आपको बता दूं, जितने लोगों के काम अधूरे रह जाते हैं, और जितने लोग ये कहते हैं हम गुरुजी वाले और हम सेवा करते हैं और हम सत्संग में जाते हैं फिर भी उनके काम नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे ही प्रैक्टिस में, हमारी पढ़ाई में, हमारी ध्यान लगाने में, इस क्लास को अटेंड करते हैं कमी है, तभी हमारे काम नहीं पूरे हो रहे। काम तब पूरे, होमवर्क पूरा नहीं हो रहा। अगर आप